हेयर ऑयलिंग जो होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है हमारे हेयर केयर रूटीन का। हमारे बालों को स्ट्रेंथन अप करता है, सारी नरिशमेंट देता है और हेयर फॉल को बिल्कुल कंट्रोल कर देता है। बट आजकल हेयर ऑयलिंग का वक्त कौन निकाले, साथ में जब ऑयल लगा लेते हैं ना, फेस इतना डल दिखने लग जाता है, ऐसा लगता है मुंह काला ही हो गया। इतने लोगों से हमारे को मिलना पड़ता है कैसे लगाएं ऑयल बाहर जाते हुए, और जब घर आते हैं इतने थके हुए होते हैं कि ऑयल लगाने का वक्त ही नहीं मिल पाता। तो आप बताओ बालों को नरिशमेंट मिल कैसे पाएगा? हम जब ऑयल लगाएंगे ही नहीं, मॉइस्चर मिलेगा ही नहीं, तो ग्रोथ होगी कैसे? उसका जवाब है एक हेयर सीरम, और वही हम आपके लिए आज रेडी करवाने वाले हैं। हम आपके लिए आज बनवाएंगे एक हेयर ग्रोथ सीरम, हेयर रीग्रोथ सीरम भी इसको बोल सकते हो, जो आपके बालों की ग्रोथ को 2 times तक बढ़ाने का काम करेगा, जो खोए हुए न्यूट्रिएंट्स आपके बालों को जरूरत है वो देने का काम करेगा। बेसिकली कहा जाए वही गुडनेस देगा जो एक ऑयल देता है आपके बालों को, बट सबसे खास बात बिल्कुल ही नॉन स्टिकी टेक्सचर है। एक वाटर बेस्ड फॉर्मूला हम आपके लिए रेडी करवाने वाले हैं, जो आप इजिली कैरी कर सकते हो, चाहो तो ओवरनाइट भी लगा सकते हो, चाहो तो बाहर जाते हुए भी लगा सकते हो। आपके बालों को पहले से ज्यादा मैनेजेबल बनाएगा, शाइन ऐड करेगा और ब्रेकेज बिल्कुल ही कंट्रोल कर देगा। एंड सबसे खास बात यह कि ये भाई लगाया जाएगा, अनलाइक हेयर ऑयल्स। हेयर ऑयल हम खरीद तो बड़े शौक से लेते हैं, बट वो पड़ा ही रह जाता है और एक्सपायर हो जाता है, फिर जाता है सीधा डस्टबिन में। इस हेयर सीरम साथ ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला, आप इसको एक्चुअली कैरी कर पाओगे। तो बिना किसी डिले के हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, और आपको बताते हैं हाउ टू प्रिपेयर द मोस्ट पावरफुल हेयर ग्रोथ सीरम एट होम। हमारे आज के नेचुरल सीरम के लिए हमारे को मात्र 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, जो बहुत इजीली आपको आपकी किचन में ही मिल जाएंगे। पहले हम जानेंगे इंग्रेडिएंट्स के बारे में, थोड़े उनके फायदे, फिर आगे बढ़ेंगे मेकिंग की तरफ। इंग्रेडिएंट नंबर 1, ड्राई आंवला। अब जब हेयर फॉल आता है ना दिमाग में, सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो दिमाग में आता है वो आता है आंवला। सदियों पुराना इंग्रेडिएंट है जो हेयर केयर के लिए यूज किया जाता है। आप मार्केट में भी कभी रिसर्च करोगे ना कि बेस्ट हेयर फॉल शैम्पू कौन सा है, उसके अंदर आंवला जरूर पाया जाएगा, बिकॉज ये है ही इतना पोटेंट। आंवला के अंदर होता है विटामिन सी, जो कॉलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, जो एक बहुत वाइटल न्यूट्रिएंट होता है हमारी हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए। साथ में इचिंग को बिल्कुल दूर कर देता है, डैंड्रफ को बिल्कुल दूर कर देता है, हमारी स्कैल्प की हेल्थ को बहुत बढ़िया रखता है। हमारी स्कैल्प में जो इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं ना, जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, वो एक बहुत बड़ा रीजन होता है हेयर लॉस का, ये उसको बिल्कुल ही दूर करने का काम करता है। आप अगर चाहो आंवला पाउडर को आप कंज्यूम भी कर सकते हो, वो बहुत अच्छा रहता है हमारी हेल्थ के लिए। हमारी आंखों को भी बड़ा अच्छा रखता है और हेयर हेल्थ को भी बिल्कुल बढ़िया रखता है, साथ में स्किन हेल्थ को भी बड़ा अच्छा रखता है। तो आपको अगर टॉपिकल कंज्यूम करना है आंवला को, तो आधा चम्मच आंवला पाउडर आप कड़ी पत्ता साथ मिला सकते हो और उसको डेली कंज्यूम कर सकते हो पानी के साथ। रोज सुबह पहला काम यही किया करो, और देखना आपको आपके बालों में कितना डिफरेंस दिखने वाला है। साथ में अगर प्रीमैच्योर ग्रेइंग से परेशान हो, तो भी आंवला बहुत पोटेंट और पावरफुल है। बेसिकली कहा जाए तो टॉपिकली भी बड़ा पावरफुल है, और जब कंज्यूम करते हो तब तो और ही बेटर रिजल्ट आने वाला है। इंग्रेडिएंट नंबर 2, फ्लैक्स सीड्स। इनके अंदर होता है रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3, जो आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करता है और हेयर लॉस को बिल्कुल ही कंट्रोल कर देता है। साथ में इसमें होता है बहुत सा प्रोटीन्स, जो आपके बालों को स्ट्रेंथन अप करता है और जो ब्रेकेज की दिक्कत आती है ना, उसको बिल्कुल दूर कर देता है। जो बीच से बाल टूट जाता है, उस पर बिल्कुल ही फुल स्टॉप लगा देता है। साथ में इसके अंदर है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, जो डैंड्रफ वगैरह को बिल्कुल दूर रखता है, आपकी स्कैल्प की हेल्थ को बहुत ही बढ़िया रखता है। साथ में ये एक नेचुरल कंडीशनर का काम करता है, जो आपके बालों को सुपर मॉइस्चराइजिंग देने का काम करता है। एक कंप्लीट पैकेज आपकी हेयर हेल्थ, जो आपके हेयर को बाउंसी रखता है, शाइनी बनाता है, और वो जो खोया हुआ लस्टर है ना, जो कहीं खो सा गया है आज के एनवायरनमेंट की वजह से, उसको वापस रिटर्न करने का काम करता है। एक डैमेज रिपेयर इंग्रेडिएंट है आपकी हेयर हेल्थ के लिए। फाइनली इंग्रेडिएंट नंबर 3, कड़ी पत्ता। ये एक बहुत पॉपुलर नेचुरल रेमेडी है, जो आपकी हेयर हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया रहती है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करती है। इसमें होते हैं बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स, जो आपके हेयर फॉलिकल्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का काम करती है, जिससे हेयर ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। साथ में अगर आप परेशान हो वक्त से पहले वाइट बालों के लिए, तो यकीन मानो इससे पावरफुल कुछ है ही नहीं। आपके अगर कोई वाइट बाल रोक सकता है बढ़ने से, तो वो सिर्फ कड़ी पत्ता ही रोक सकता है। अब देखो, ये मैं नहीं कहता कि आपके वाइट बालों को ब्लैक कर देगा, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। वो सिर्फ एक हेयर कलर कर सकता है, मेहंदी कर सकती है, या कोई भी नेचुरल डाई कर सकती है। पर इतना मैं गारंटी देता हूं कि आपके वाइट बाल अब बढ़ेंगे नहीं, अगर आप रेगुलरली कड़ी पत्ता को या तो कंज्यूम करते हो या टॉपिकली अप्लाई करते हो। दोनों ढंग से बहुत पावरफुल और बहुत इफेक्टिव है, और सही बताओ दोनों चीजें साथ में फॉलो करो, रिजल्ट अलग ही लेवल का एनहांस हो जाएगा। साथ में ब्रेकेज को भी रोकता है, शाइन भी ऐड करता है, डैंड्रफ को भी दूर करता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है आपकी हेयर हेल्थ के लिए, और इसीलिए ये ट्रेडिशनल टाइम से यूज किया जाता है। आप देखोगे जो हेयर लॉस के शैम्पू आते हैं ना मार्केट में, उसमें आंवला के साथ कड़ी पत्ता जरूर डला ही होता है, और उसका यही रीजन है कि प्रीमैच्योर ग्रेइंग से फाइट करने में हेल्प करता है। अब अगर
अगर आप टॉपिकली कंज्यूम करना चाहते हो आंवला और कड़ी पत्ता को, तो बेस्ट तरीका आपको बताता हूँ। आपने लेना है एक चम्मच आंवला पाउडर, एक चम्मच कड़ी पत्ता पाउडर, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लो। उसका आधा चम्मच लेना है दोनों का मिक्सर का, और रोज कंज्यूम करना है फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। पानी का ग्लास लिया और उसको कंज्यूम कर लिया आधा चम्मच, और देखना कितना अमेजिंग रिजल्ट दिखता है, आपकी हेयर हेल्थ एकदम से इंप्रूव हो जाएगी। ऑल राइट, जब आप सारे पावरफुल इंग्रेडिएंट्स जान चुके हो, उनकी खूबियां जान चुके हो, तो दिमाग में थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस आ ही गया होगा कि भाई ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, और ये एक्चुअली इतनी पावरफुल है कि आपको विजिबल रिजल्ट दिखाएगी, आपकी हेयर ग्रोथ को एकदम बूस्ट करने का काम करेगी। सीधा आगे बढ़ते हैं मेकिंग की तरफ। सबसे पहले जरूरत पड़ने वाली है आपको एक पैन की, उसमें आपने डालना है दो ग्लास पानी। एक ग्लास वैसे 200-250 ml होता है, तो अगर आप अप्रॉक्सीमेट जानना चाहो तो 400-450 ml पानी आपने डालना है उसके अंदर। फिर आपने उसमें डालना है दो चम्मच फ्लैक्स सीड्स, और अच्छे से उनको मिक्स कर लो। फिर आपने गैस को ऑन कर देना है और लो फ्लेम पे कर लेना है। आपने इसमें ऐड करना है एक मुट्ठी भर कड़ी लीव्स, या फिर 8-10 पत्ते होने चाहिए, आपने उसके अंदर डाल लिया और अगेन मिक्स कर लिया। फिर आपने इसमें ऐड करना है दो चम्मच सूखा आंवला, और फिर से मिक्स कर लो। आपकी गैस लो फ्लेम पे आपने कुक करना है 15 मिनट के लिए। आपका जो ये मिक्सचर है बहुत थिक सा होना स्टार्ट हो जाएगा, 15 मिनट बाद आपने इसको क्लोज कर देना है। अब जो आपका मिक्सचर है आपने वेट करना है इसको ठंडा होने के लिए, देन आपने इसको स्ट्रेन आउट करना है। अब आप वो कैसे कर सकते हो, आपको एक चीज क्लॉथ की जरूरत पड़ने वाली, जो एक चुन्नी वाला कपड़ा होता है ना, सारा मटेरियल आपने उसमें ट्रांसफर करा और अच्छे से उसको निचोड़ लिया। जो लिक्विड निकलेगा आपने उसको अलग कर लेना है। अब जो ये सारा बचा है आपका पेस्ट, आप अगर चाहो थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करो और ब्लेंडर रन कर लो, एक बड़ा स्मूथ सा हेयर मास्क आपका रेडी हो जाएगा, जिसको आप हफ्ते में एक बार लगा सकते हो। ये भी बड़ा ही पावरफुल आपकी हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने का काम करेगा। रही बात इस हेयर सीरम की, अब जो हेयर सीरम है आप इसको स्प्रे बॉटल में ट्रांसफर कर सकते हो। आपने इसको दो ढंग से यूज किया जा सकता है। सबसे पहले तो आप चाहो इसको रात में लगा सकते हो, पूरी स्कैल्प पे अच्छे से स्प्रे करना है और अच्छे से इसको मसाज कर देना है। ओवरनाइट आपने इसको छोड़ा, और नेक्स्ट मॉर्निंग आप चाहो तो शैम्पू कर सकते हो। दूसरा तरीका ये, आप इसको अपनी लेंथ पे स्प्रे करो और अच्छे से कोम कर सकते हो। अमेजिंग शाइन देने वाला है आपके बालों के लिए। जो कमर्शियल वाले सीरम्स होते हैं ना, यकीन मानो उससे बड़ा ही बेहतर है, बिकॉज उसको स्कैल्प पे नहीं लगाया जाता, ये स्कैल्प पे भी लगाया जा सकता है। बेसिकली शाइन भी देगा, नरिशमेंट भी देगा, और हेयर ग्रोथ को 2 times तक बूस्ट भी करेगा। इस सीरम की सबसे खास बात आपको बताऊं, आप इसको एज ऑफन एज यू वॉन्ट यूज कर सकते हो, चाहो तो हफ्ते में 7 भी यूज करो। अब ये बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है कि आज हमने हेयर सीरम लगाया रात को तो सुबह शैम्पू करना ही पड़ेगा। शैम्पू आप उसी ऑर्डर में करते रहो जैसे कर रहे हो, बट सीरम जरूर लगाया करो रात में। मैं तो कहूंगा डेली लगाओ, मात्र 2 में आपको आपकी हेयर ग्रोथ में डिफरेंस दिखेगा, और वो जो हेयर का टेक्सचर होता है ना, उसमें भी आपको फर्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज ही ट्राई करो ये पावरफुल हेयर सीरम अपने लिए आज ही, और आपको मजा ही आ जाएगा। वीडियो को आगे शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी लुफ्त उठा पाएं इस अमेजिंग हेयर सीरम का, और अपने हेयर का बेस्ट वर्जन अचीव कर पाएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके अगर दिमाग में कोई पर्टिकुलर डाउट है, कोई कंसर्न है, कोई टॉपिक है, तो नीचे कमेंट जरूर करना, मैं उस पर बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आऊंगा वीडियो। तब तक हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर होस्ट रोहित सचदेवा, गुड बाय।